आज का सुबह मैं वॉकिंग के लिए निकला और बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पर, क्लाउड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और प्रकृति का जो भी दृश्य है देखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आपको पूरा प्रकृति के बारे में थोड़ा बताएंगे और जानकारी करेंगे। बारिश का मौसम हम सभी के लिए प्यारा मौसम होता है। यह जुलाई के महीने में शुरू होती है और सितंबर के अंत तक जारी रहती है। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छा जाते हैं, वे गरजते और सुंदर लगते हैं। हरियाली से धरती हरी हरी मखमल सी लगती है। वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकल लगते हैं। वृक्ष लताएं मानो हरियाली से संबंधित होते हैं। वर्षा ऋतु में जीव जंतु भी बढ़ने लगते हैं। यह हरेक के लिए शुभ मौसम होता है और सभी इसमें खुशी के साथ ढेर सारी मस्ती करते हैं। यह असहनीय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद और राहत की पुलहर लेकर आता है। आकाश बहुत चमकदार, साफ और हल्के नीले रंग की दिखाई पड़ती है और कई बार तो सात रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। हमें इसके पारिस्थितिक संतुलन को विचलित किए बिना प्रकृति का पूरा आनंद लेना चाहिए। हमें अपनी प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए, इसे शांतिपूर्ण बनाना चाहिए, इसे साफ रखना चाहिए और इसे विनाश से बचाना चाहिए ताकि हम अपने स्वभाव को हमेशा के लिए आनंद ले सकें। प्रकृति ईश्वर द्वारा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि भोगने के लिए दिया गया इस सबसे कीमती उपहार है। प्रकृति हमारे चारों ओर सबसे सुंदर और आकर्षक है, हमें खुशी करती है और हमें स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है।
पूरा वातावरण सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। हम सबसे सुंदर ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी, जिसमें बहुत स्वच्छ और आकर्षक प्रकृति हरियाली है। प्रकृति हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, जो हम यहाँ रहने के लिए सभी संसाधन प्रदान करता है। यह हमारी बेहतरी है कि लिए पीने के लिए पानी, सांस के लिए शुद्ध हवा, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए ज़मीन, जानवर हमारे अन्य उपयोग के लिए पौधा आदि देता है। हमारी प्रकृति हमें विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल, आकर्षक पक्षी, पशु, हरे पौधे, नीला आकाश, भूमि, बहती नदियाँ, समुद्र, जंगल, हवा, पहाड़, घाटियाँ, पहाड़ियाँ और बहुत सी चीज़ें प्रदान करती है। हमारे ईश्वर ने हमें स्वस्थ रहने के लिए एक सुंदर प्रकृति का निर्माण किया है। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी चीज़ों प्रकृति की संपत्ति है, जिन्हें हम खराब और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें प्रकृति की मौलिकता को नष्ट नहीं करना चाहिए और परिस्थिति की तंत्र के चक्र को असंतुलित नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति हमें जीने और आनंद देने के लिए सुंदर वातावरण प्रदान करती है, इसलिए इसे साफ रखने की सभी नुकसानों से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी है। आधुनिक युग में इंसान की कई स्वार्थी और बुरी गतिविधियों ने प्रकृति को काफ़ी हद तक परेशान कर दिया, लेकिन हम सभी को अपनी प्रकृति की सुंदरता बनाने रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वृक्ष लताएं मानो हरियाली से संबंधित होते हैं। वर्षा ऋतु में जीव जंतु भी बढ़ने लगते हैं। यह हरेक के लिए शुभ मौसम होता है और सभी इसमें खुशी के साथ
ढेर सारी मस्ती करते हैं। यह असहनीय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद और राहत की पुलहर लेकर आता है। आकाश बहुत चमकदार, साफ और हल्के नीले रंग की दिखाई पड़ती है और कई बार तो 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। पूरा वातावरण सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। हम सबसे सुंदर ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी, जिसमें बहुत स्वच्छ और आकर्षक प्रकृति हरियाली है। प्रकृति हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, जो हम यहाँ रहने के लिए सभी संसाधन प्रदान करता है। यह हमारी बेहतरी है कि लिए पीने के लिए पानी, सांस के लिए शुद्ध हवा, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए ज़मीन, जानवर हमारे अन्य उपयोग के लिए पौधा आदि देता है। हमारी प्रकृति हमें विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल, आकर्षक पक्षी, पशु, हरे पौधे, नीला आकाश, भूमि, बहती नदियाँ, समुद्र, जंगल, हवा, पहाड़, घाटियाँ, पहाड़ियाँ और बहुत सी चीज़ें प्रदान करती है। हमारे ईश्वर ने हमें स्वस्थ रहने के लिए एक सुंदर प्रकृति का निर्माण किया है। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी चीज़ों प्रकृति की संपत्ति है, जिन्हें हम खराब और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें प्रकृति की मौलिकता को नष्ट नहीं करना चाहिए और परिस्थिति की तंत्र के चक्र को असंतुलित नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति हमें जीने और आनंद देने के लिए सुंदर वातावरण प्रदान करती है, इसलिए इसे साफ रखने की सभी नुकसानों से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी है। आधुनिक युग में इंसान की कई स्वार्थी और बुरी गतिविधियों ने प्रकृति को काफ़ी हद तक परेशान कर दिया, लेकिन हम सभी को अपनी प्रकृति की सुंदरता बनाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मेरा चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।